आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। अलीगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक बार फिर एएमयू के लेकर मोर्चा खोल दिया है। एएमयू में जिस प्रकार से एसटी ओबीसी के शिक्षकों एवं अन्य भर्तियों में 200 पॉइंट रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा, जबकि अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय में 200 पॉइंट रोस्टर का इस्तेमाल कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिस प्रकार से एएमयू के अंदर भर्तियों को लेकर अनियमितताएं बरती गई हैं, उसे लगता है कि साफ तौर पर भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा 200 पॉइंट रोस्टर बिल भी पारित किया जा चुका है, जिसे सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में लागू किया गया है। उसके बाद भी एएमयू में 200 पॉइंट रोस्टर का भर्ती प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं अन्य भर्तियों की सूचना समाचार पत्र वेबसाइट के माध्यम से दी जानी चाहिए, जबकि एएमयू केवल अपनी ही वेबसाइट पर रिक्तियों की सूचना प्रसारित करता है। एएमयू की मंशा साफ है कि वो केवल एक विशेष समुदाय को अपनी रिक्तियों में जगह देना चाहता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री सीटू चौधरी व विभाग संगठन मंत्री योगेंद्र वर्मा ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि अगर एएमयू ने 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली का रिक्तियों के समय उपयोग नहीं किया तो विद्यार्थी परिषद एक बड़ा आंदोलन करेगा और एएमयू में कूच करेगा। एएमयू तत्काल प्रभाव से अपनी इस भर्ती प्रक्रिया को वापस ले। एएमयू में लगभग 1140 से अधिक टीचिंग स्टाफ है, जिसमें से लगभग 1033 एक ही समुदाय से हैं। अलीगढ़ से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। विद्यालय है उनके अंदर 200 रोस्टर प्रणाली को अपनाया जाता है, लेकिन इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर 200 रोस्टर प्रणाली को बिल्कुल नहीं अपनाया जा रहा है। पूर्व में भी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा शिक्षक एवं अन्य भर्तियों के अंदर रोस्टर प्रणाली को नहीं अपनाया गया। अभी तत्काल लास्ट 10 दिन पहले का विज्ञापन है, उनकी वेबसाइट पर देख लीजिएगा आप भी लोग, उसमें भी कहीं भी 200 पॉइंट रोस्टर का प्रणाली का नहीं अपनाया गया और केवल सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पर ही विज्ञापन दिखाया गया, जिससे केवल एक विशेष समुदाय को लाभ पहुंच गए, यानी कि अन्य किसी समुदाय को लाभ ना पहुंचे, ऐसे इस तरीके से छल का काम विश्वविद्यालय के द्वारा लगातार करता हुआ। 200 रोस्टर प्रणाली के तहत, यानी कि पूरे जिस प्रकार से आरक्षण इस देश के अंदर लागू है, उस आरक्षण के तहत उनको जो उसके हकदार हैं उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। उसके अंतर्गत ये सारे चीज़ नियम आते हैं। किन किन को नहीं मिलता? एससी एसटी ओबीसी, यानी कि इस प्रकार के जो लाभार्थी उनको इस प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो एडमिशन में है, छात्रों के एडमिशन में तो इन्होंने इंटरनल एक्सटर्नल कर रखा है, लेकिन जो नौकरियों में है, नौकरियों में तो इनको जो आरक्षण मिलना चाहिए, जो देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं छिपाया गया पिछली कांग्रेसी सरकारों में। अब जो है ये मुद्दा सामने आ रहा है, काफ़ी लंबे अरसे से ये घाल मिल कर रहे थे नौकरियों में, अपने लोगों को ये चाचा भतीजावाद चलता था। अगर मैंने बताया जिस प्रकार से जब से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, मतलब विश्वविद्यालय का मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए, मैं खुल के बताना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ उनका मानना है कि अल्पसंख्यकों के लिए विश्वविद्यालय है, जबकि पूरे देश के अंदर जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय चल रहे, चाहे वो BHU हो, चाहे वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो या दिल्ली विश्वविद्यालय JNU, हर किसी के अंदर आरक्षण नीति लागू है। केवल विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर आरक्षण नीति नहीं लागू है, सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को हर प्रकार का लाभ प्रदान करते, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो शिक्षार्थी हो, उनका मानना है। लेकिन माइनॉरिटी संस्था नहीं है, कोर्ट में बेचाराधीन है, इस वजह से वो माइनॉरिटी संस्था इसको मानते हैं, तो जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आएगा तब तक तो लागू नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, या दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, क्या BHU केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, क्या हैदराबाद यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी संस्था है? मुझे एक बात बताइए, किसी के आगे मुस्लिम लगने से क्या माइनॉरिटी हो जाएगा? क्या BHU के अंदर हिंदू लगने से माइनॉरिटी हो गई क्या? लेकिन विश्वविद्यालय की मान्यता UGC के द्वारा मिलती है। किसी स्टेप क्या है? मेरा स्टेप ये विश्वविद्यालय की ये मांग करता हूँ कि अगर जिस प्रकार से ये 200 रोस्टर प्रणाली को के माध्यम से अगर भर्तियाँ नहीं करते हैं उसको, और जो इस प्रणाली को अपना रहे उसको तत्काल प्रभाव से वापस लें, अन्यथा की स्थिति में अगर विद्यार्थी परिषद को विश्वविद्यालय का कुछ भी करनी पड़ी तो वो भी कुछ करने के लिए हम तैयार हैं। सर्वप्रथम अभी अगला चरण हम लोगों का रहेगा कि राष्ट्रपति संबोधित एक ज्ञापन कल जिलाधिकारी महोदय को हम देने वाले हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो MHRD और UGC से इस विश्वविद्यालय की ग्रांट बंद कराने के लिए